हेलो दोस्तों, परीक्षा प्लस में आपका फिर से स्वागत है। एक बार फिर से मॉक टेस्ट 2, जो आप सभी लोग जानते होंगे, वीडियो पहले भी देखे होंगे, पेपर सॉल्व कर लिए होंगे, तभी आप यहां पे हो, तभी आपको इस वीडियो लिंक मिली और यहां पे वीडियो देख रहे हैं। जैसा कि हमने एक प्रोग्राम चलाया है, FB ग्रुप पे भी, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं। जो नहीं जुड़े हैं वो अभी भी जुड़ जाएं, सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। हम 10 टेस्ट का प्रोग्राम आपके लिए लेके आए हैं मंडी परिषद का, जो बहुत ही ज़्यादा क्वालिटेटिव है, बहुत ही गुणवत्तापूर्ण है और इतना अच्छा पेपर जो आपका, जैसे युवा कल्याण एग्जाम में आपने देखा जिस पैटर्न को फॉलो किया, उसी पैटर्न को हम फिर से कर रहे हैं। वीडियो के टेस्ट सीरीज में मिली सफलता के बाद हम एक बार फिर से आपको सामने लेके आए हैं मंडी परिषद का टेस्ट। तो आप लोग टेस्ट देते रहिए, अपनी एनालिसिस करते रहिए और अपनी परीक्षा की तैयारी दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाइए, एक कदम अपनी सफलता के लिए बढ़ाते जाइए। तो हम शुरू करते हैं। मैथ सोल्यूशन हम लेके आए हैं आपके सामने। दूसरा जो रीजनिंग का सोल्यूशन है वो भी आपका आशीष सर जो है वो दे चुके हैं, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में ही है। मैथ्स का मैं लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 126 से मैथ इस पेपर में शुरुआत हुआ था और वहीं से हम सोल्यूशन देंगे आपको। देखिए दोस्तों, पॉसिबल नहीं होता है कि सारे के सारे सोल्यूशन, सारे के सारे क्वेश्चन दिया जाए, इसलिए हम आपके सामने वो मेन क्वेश्चन लेके आते हैं जो आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है और कुछ उसके साथ बहुत स्पेशल कॉन्सेप्ट लगा रहता है जिसका सोल्यूशन जानना आपके लिए जरूरी होता है। बाकी सारे सोल्यूशन PDF के थ्रू डिस्क्रिप्शन लिंक में लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए। स्क्रीन के सामने आपका क्वेश्चन आता रहेगा, हम पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कह रहा है 25 मीटर गुणे 25 मीटर यानी 25x25 के वर्गाकार मैदान के बीच में गड़े एक खंभे से एक गाय 7 मीटर लंबी रस्सी से बंधी है। यदि खंभे को उखाड़कर मैदान के किसी कोने में गाड़ दिया जाए तो पहले की अपेक्षा अब मैदान का क्षेत्रफल जो गाय की पहुंच से परे है कितना अधिक या कम हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। क्वेश्चन में लैंग्वेज के थ्रू घुमाया गया है। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं लेकिन वहां पे बेसिक एकदम जो सिंपल होता है वो पूछा है। यहाँ पे दो कंडीशन दिया हुआ है। एक कंडीशन ये है कि एक मैदान है 25x25 मीटर का, उसमें बीचों बीच एक पोल गड़ा हुआ है और यहाँ पे एक गाय बांधी हुई है। तो ये गाय अगर बीचों बीच में है तो अपने एक गोलाकार में, एक वृत्त में कुछ घास चरेगी। दूसरे केस में क्या कह रहा है कि पोल को उखाड़ के एकदम किनारे पे कर दिया जाए तो इस बार गाय जो है इतना ही पोषण चर पाएगी। अब वो क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है कि पहले जो मैदान गाय से, गाय की पहुंच से परे है और अब जो मैदान गाय के पहुंच से परे है, दोनों के बीच में अंतर क्या है, मतलब अब ज्यादा है या कम है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप जानते हो कि अगर मैदान का क्षेत्रफल निकालें तो 25x25 यानी कि 625 हो जाएगा और अगर हम इस वृत्त का निकालें तो इसका जो ये दिया हुआ है रेडियस यानी रस्सी की लंबाई वो 7 मीटर दिया हुआ है। तो अगर इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालें, एरिया निकालें सर्कल का, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 × 7 × 7 यानी कि 154। और इस केस में ये जो क्षेत्रफल है ये ठीक इसका, क्योंकि ये देखो एक चौथाई वृत्त है, तो ठीक 154 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये 38.5 हो जाएगा। दोस्तों बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं क्या करते हैं, अब इस क्वेश्चन को लगाने के लिए वो सबसे पहले क्या करेंगे, इस केस में निकालेंगे कितना एरिया उससे परे है, तो 625 में से 154 माइनस करेंगे, दोबारा फिर क्या करेंगे, 625 में से 38.5 करेंगे। अब उन दोनों का जो उत्तर आएगा वो डिफरेंस निकालेंगे फिर करेंगे, ये प्रोसेस लंबी हो जाएगा। कायदे से अगर आप इसमें से, इस पूरे क्षेत्रफल से ये पूरा क्षेत्रफल माइनस कर दो तो भी आपका उत्तर आ जाएगा। एक बार देखिए कैसे, मान ले हम ये पूरा क्षेत्रफल टोटल टी, पहले केस में जब मिडिल में है तो मान ले उसका क्षेत्रफल क्या है, एम, इस केस में क्या हो जाएगा, टी, और ये क्या हो जाएगा, एक कॉर्नर पे है तो सी। अभी जो गाय से परे है उसका क्षेत्रफल ये आएगा, इसमें ये आएगा, अगर हम माइनस करेंगे एक दूसरे को तो ये टी कट ही जाएगा, फिर क्या होगा, सी माइनस एम ही हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को जब भी आपके एग्जाम में आए तो इतना प्रोसेस ना करके सीधा इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और माइनस कर देंगे। तो अगर मैं 154 में से 38.5 माइनस कर दूं तो 115.5 मेरा उत्तर आ जाएगा, जो कि आपका काफी
क्विक रहेगा। तो हम ऐसे प्रोसीजर पे जाएंगे, अपना टाइम बचाएंगे, क्योंकि आजकल का जो एग्जाम है बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे जो भी पेपर सेट कर रहा है, खासकर यूपी ट्रिपल एससी का। आप युवा कल्याण में भी ये बात देखे हो, वीडियो में भी देखे हो, और आपके अपकमिंग सारे एग्जाम हो, चाहे मंडी परिषद का हो, चाहे आपका लोअर का एग्जाम। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 संख्याओं का औसत निकालने में सचिन 63 को 36, 45 को 54, 27 को 72 लिख देता है। मतलब कि 63 को 36, 45 को 54 और 27 को 72। यदि सचिन द्वारा निकाला गया औसत 64 हो तो सही औसत तथा प्राप्त औसत का योग होगा। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इस बार भी कई सारे क्वेश्चन इस पे एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, लेकिन ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज किया गया है। इस बार आपको योग पूछा गया है, सही औसत का और गलत औसत का। तो एक बात आपको समझनी चाहिए, जब वो एवरेज निकाल रहा था, जब वो औसत निकाल रहा था, तब उसने 63 को 36, फिर कह रहा है 45 को 54 और फिर बोल रहा है 27 यानी 27 को 72 कैलकुलेट कर देता है। देखिए उससे कैलकुलेट ये करना था, लेकिन उसने कैलकुलेट कर लिया है ये, तो जाहिर सी बात है जो उसका उत्तर आ रहा है औसत वो गलत आ रहा होगा। तो जो ये वैल्यू पुट करके करता है वो क्या कर रहा है, गलत कर रहा है। सही क्या आएगा, इस वाला वैल्यू पुट करके। तो अभी देखिए वो कितना गलत या कितना सही है। 63 को उसने जब 36 लिखा तो उसने कितना कम कैलकुलेट किया, अगर इसमें से हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा। मैं एक आपको तरीका बताता हूं ऐसे क्वेश्चन का, जब हम माइनस देखते हैं, एक बात रखिएगा, ध्यान रखिएगा, जब एक्स वाई वाई एक्स में पलट जाता है, कोई भी दो डिजिट की संख्या जब आपस में पलट जाती है तो उनके बीच का अंतर और कुछ नहीं, 9 गुणे इसके इसके बीच का अंतर, दोनों के बीच का अंतर। अंतर कितना है यहाँ पे, 6 और 3 के बीच में 3, और 3 देखिए घट रहा है, 6 से 3 घट रहा है, तो हम इधर क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, यानी कितना अंतर है 27 का माइनस में। ठीक है, 54 में अंतर कितना है, 1 का, तो हम सीधा क्या कर लेंगे, 9 गुणे 1, और क्योंकि बढ़ रहा है तो ये पॉजिटिव रह जाएगा, कितना आ जाएगा, प्लस का 9। ऐसे ठीक इसमें 27 से 72 कितना जा रहा है, अंतर 5 का है, तो 9 गुणे 5, और क्योंकि बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 45। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो उसने 45 न 54, 54 माइनस 27 कितना हो जाएगा, 27 प्लस का, यानी इस केस में ऐसा गलती करके उसने 27 ज्यादा जोड़ लिया है। तो अगर 27 ज्यादा जोड़ लिया है तो जो सही औसत होना था वो गलत औसत से क्या होगा, कम होगा। तो अगर गलत औसत से कम होगा मतलब ये जो 27 की वैल्यू है ये हमें कम करना पड़ेगा, और औसत कहता है कि ऐसे ही किसी एक में कम नहीं कर सकते, अगर हमें 27 कम करना है तो सब में बराबर कम करना पड़ेगा, यानी 9 संख्याएं थी तो 9 में 27 बराबर कम होगा, यानी कि सब में कितना कम होगा, 27/9 यानी कि 3। तो जो उसका सही औसत था वो हो जाएगा 64 - 27/9 यानी कि 64 - 3 यानी कि 61। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछना चाह रहा है कि गलत औसत और सही औसत, सही औसत उसका 61 है और गलत औसत उसने दे रखा है क्वेश्चन में 64, तो दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो हमारा जो उत्तर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 125 आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही कम देखने को मिलता है ऐसा क्वेश्चन, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट जो है कि अगर संख्या आपस में पलट रही है तो हम कैसे कितना जल्दी निकालेंगे कि आखिर इसके बीच में अंतर कितना है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 130, और लगभग इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत मिला के किया है। हम देखते हैं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक बार आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आराम से पढ़िए क्वेश्चन को और फिर हम करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 130 है, एक बार देख लीजिए। रवि जब किन्हीं दो संख्याओं ए तथा बी का गुणा करता है तो उसको दो अंक की एक संख्या एक्स वाई प्राप्त होती है। वह पाता है कि जब एक्स वाई को पलट दिया जाए तो नई प्राप्त संख्या वाई एक्स एक्स वाई से 9 ज्यादा है। यदि x और y का योग 9 हो तथा a और b के बीच का अंतर 4 हो तो a और b के वर्गों का योग होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को
अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से लगाएंगे, हम ओल्ड स्कूल मेथड से लगाएंगे, ऐसे मेथड से लगाएं जो हमने स्कूलों में सीखा है, जो हमने कहीं किताबों में पढ़ा है, तो हमारा एग्जाम में बहुत ज़्यादा समय जाने वाला है। जबकि हम इतना समय नहीं लगाएंगे, हम ढूंढेंगे, हम जानेंगे यहाँ पे कि क्या कोई ऐसा तरीका है, क्या हमारे पास ऐसा तरीका है कि एग्जाम में हम अपना समय बचा लें और हमारी जो आंसर आए वो बहुत ही एक्यूरेट आए। क्योंकि आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आपके पास कुछ बेहतर तरीके होंगे, जब आपके पास टाइम मैनेजमेंट ज़्यादा होगा, ज़्यादा बेहतर होगा औरों से, तभी आप सिलेक्शन अच्छे से ले पाओगे। तो एक बार क्वेश्चन देखते हैं, एक बार हम ओल्ड स्कूल मेथड से देखते हैं क्या है। बोल रहा है कि जब ए और बी का गुणा करता है, ए और बी का गुणा करता है तो उसे एक संख्या मिलती है एक्स वाई जो दो डिजिट है। इसमें एक्स वाई एक डिजिट है, ये यूनिट डिजिट है और ये टेंस डिजिट है, मतलब इकाई पे वाई है और दहाई पे दस है। कह रहा है कि जब वो संख्या को पलट देता है, मतलब वाई एक्स हो जाता है, तब उसे जो प्राप्त संख्या मिलती है वो एक्स वाई से कितना नौ ज्यादा है। यानी कि प्रश्न से हम जान सकते हैं कि वाई एक्स माइनस एक्स वाई बराबर नौ है, और अगर इसे हम ओल्ड स्कूल मेथड से करें तो एक्स वाई कुछ और नहीं वाई प्लस टेन एक्स लिखा है, और वाई एक्स कुछ नहीं एक्स प्लस टेन वाई लिखा है। ठीक, अब इसे हम यहाँ पे अप्लाई करें तो टेन एक्स प्लस वाई माइनस टेन वाई प्लस एक्स बराबर नौ। यानी कि अगर हम फिर से इसे करें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा टेन वाई प्लस एक्स और यहाँ पे टेन एक्स प्लस वाई। हाँ, माइनस करें तो यहाँ पे हमारा मिलेगा नाइन वाई, और ये माइनस हो जाएगा तो मिलेगा नाइन एक्स बराबर नौ। तो नौ को कॉमन ले ले तो वाई माइनस एक्स बराबर नाइन, यानी वाई माइनस एक्स बराबर वन। और दूसरे कंडीशन में दिया है कि इन दोनों का जो योग है वो नौ है, तो यहाँ से वाई की वैल्यू निकालेंगे तो वाई बराबर आ जाएगा पाँच और एक्स बराबर आ जाएगा चार, यानी कि ये संख्या कुछ और नहीं क्या होगी, पैंतालीस होगी। अब उसने क्या कह रखा है, फिर से क्वेश्चन की लाइन पे अगर ध्यान दें तो क्वेश्चन की लाइन पे कह रहा है ए और बी के बीच का अंतर चार है। अभी क्वेश्चन समाप्त तो नहीं हुआ है, अभी तो हम क्वेश्चन का आधा पार्ट लगा पाए हैं, वो जान पाए हैं कि ए और बी का गुणा करने पे उसे क्या मिल रहा है। तो अगर मैं इसे रफ करूं और फिर से क्वेश्चन को आगे बढ़े तो क्या कह रहा है कि अगर ए और बी को गुणा किया जाए तो एक्स वाई जो मिलता है वो कुछ और नहीं वो 45 है। और दूसरा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जो ए और बी के बीच का अंतर है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, तो वो कितना बोल रहा है, ए तथा बी के बीच का अंतर चार है। यानी ए बी बराबर 45 और ए माइनस बी बराबर चार आपसे पूछना चाह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो हम कुछ और नहीं करेंगे, अभी इसी का ही होल स्क्वायर दोनों तरफ कर दें तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 16, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 16, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 गुणे 45, क्योंकि a इंटू बी का मान कितना है 45 है, यहाँ से हम देख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे रख दें 2 इंटू 45 हो जाएगा 16, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 प्लस 90 बराबर 106। तो देखो दोस्तों, अगर हम ओल्ड स्कूल मेथड से जाते हैं तो ये प्रश्न बहुत ही लेंदी जाने वाला है, बहुत ही टाइम आपका ले जाएगा, हमें ऐसा नहीं सोचना है। एक बार हम देखते हैं हमारे पास कौन सा बेहतर तरीका है जो हमारा समय बचाता है। बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, अभी अभी इससे पहले के क्वेश्चन में हमने एक चीज सीखा कि एक्स वाई और वाई एक्स कोई दो डिजिट की संख्या अगर पलट दी जाए तो उसके बीच का जो अंतर होता है वो नाइन के हमेशा मल्टीपल में होता है, 9 × 1, 9 × 2, 9 × 3, 9 × 4। फिर क्या कह रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में ही एक लाइन बोला कि x और y का योग जो है वो 9 है, तो दो डिजिट की ऐसी संख्या आप जल्दी जल्दी सोचना चालू करिए जहां पे उन डिजिट का योग क्या हो जाए, 9 हो जाए। तो देखिए 1 8 2 7 3 6 4 5 5 4 ऐसे ऐसे करके यही पॉसिबल है। लेकिन उसने ये बोल रखा है कि दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है, एक है, तो वो कहाँ पे केस बन रहा है, ये बन रहा है या तो ये बन रहा है। तो हमारी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 45 होगी। क्यों, क्योंकि वो क्या बोल रहा है कि yx xy से ज्यादा है,
मतलब जो दोबारा पलट के आ रहा है वो ज्यादा होगा, तो अगर 45 होगा तो ये पलटेगा 54, यानी कि ये वैल्यू यही होगा, तभी ये ज्यादा होगा, तभी 9 ज्यादा होगा। तो हम अपने दिमाग में सोच सकते हैं कि ऐसी कौन सी वैल्यू होगी अगर हमें ये तरीका मालूम है, और बहुत क्विकली सोच सकते हैं कि जो 45 हमने वहां पे ओल्ड स्कूल मेथड से लगा के इतना टाइम खपाया था, वो हम विद इन 2 सेकंड में सोच सकते हैं कि ये नंबर और कुछ नहीं, ये नंबर क्या होगा, 45 होगा। और अगर नंबर 45 है तो वो खुद बोल रखा है कि a माइनस बी बराबर 4 और ए बी बराबर 45। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, आप आसानी से इसका होल स्क्वायर करके निकाल सकते हो, जो कि आपका उत्तर क्या आएगा, 106 आएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे आप जब पेपर करते रहते हो तो आपको एनालिसिस होता रहता है, आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जहाँ पे आपको पता लगता है नहीं अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। ऐसे भी हो सकता है कि पेपर में अगर टफ क्वेश्चन आ जाए फिर क्या होगा। और बहुत बार क्यों हम पेपर क्यों सॉल्व करते हैं, इसलिए सॉल्व करते हैं ताकि जो हमारा टेम्परामेंट है वो बहुत अच्छा रहे। मान लीजिए कि आप पेपर देने गए और पहला ही क्वेश्चन आपको टफ मिल गया, तो आपका जो टेम्परामेंट होगा एग्जाम हॉल में वो बहुत ही नर्वसनेस हो जाएगा कि ये पहला ही क्वेश्चन आपसे नहीं लगा। फिर मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन आया वो भी टफ हुआ और आपसे नहीं लगा, तो वो पूरे पेपर में आपका मूड खराब करने वाला है। तो अगर हम पहले से प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे, पहले से वो चीज़ आदत नहीं डालेंगे कि जब ऐसी सिचुएशन आए तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं लगता है तो कैसे स्किप आउट करना है, ये सारी चीज़ें जब हम घर पे प्रैक्टिस करते हैं, बहुत डिफरेंट सारा मॉक लेते हैं, वो भी क्वालिटेटिव लेते हैं, तब जाके हमें पता लगता है। तो आप पेपर सॉल्व करते रहिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखते रहिए। इसी बीच हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को और फिर देखते हैं इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है जो हमें जानना है। क्वेश्चन कह रहा है, यदि वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 2 वर्ष में अपने का 2.25 गुना हो जाता है तो प्रतिवर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि CI पे कोई धन अपने का 2.25 गुना हो जाता है, यानी कि अगर एक था तो वो क्या हो जा रहा है, 2.25। दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो जितने साल का है उतनी बार हम उसका रूट ले लेते हैं, 2 साल गया है तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 1.5। इसका डिटेल क्यों ऐसा करते हैं लेक्चर में हम इसे बहुत अच्छे से देखेंगे, अभी यहाँ पे क्वेश्चन है, समय कम है, तो बस आप इतना जानिए अगर 2 साल है तो इतना करेंगे, यही अगर 3 साल का होता तो हम इसका क्यूबिक रूट लेते, हालांकि 2 साल है तो केवल स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1.5, यानी कि 1 साल में अगर कोई धन 1 है तो वो 1.5 हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज से। और हम जानते हैं कि पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज समान होता है, तो अगर 1 साल में कोई धन 1.5 हो गया है तो उसका जो फायदा है वो 0.5 का है, किस पे, 1 पे है। अगर रेट निकालेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे क्योंकि परसेंटेज में होता है, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 50% आ जाएगा। बहुत ही अच्छा तरीका है, कई बार प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं एग्जाम में और हो सकता है फिर से पूछ लिया जाए, इसलिए इस क्वेश्चन को तो छोड़िए मत एकदम, बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। हम जल्दी से दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 133 है, आपके स्क्रीन के सामने है क्वेश्चन, आप पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है, जेम्स और वैभव जुआरी हैं, पिछले वर्ष जेम्स और वैभव द्वारा हारी गई राशि का अनुपात 4:5 था, पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के उनकी परिवर्तित हानि का अनुपात क्रमशः 3.5 और 3:5 और 2:3 है, यदि इस वर्ष इन दोनों की कुल हानि 357,000 रुपये है तो जेम्स की वर्तमान हानि है। रेशियो का क्वेश्चन है, लैंग्वेज में आपको केवल घुमाया गया है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, कुछ खास नहीं है, एक बार देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर पिछले साल यानी कि 1 ईयर बिफोर की बात करें तो जेम्स और वैभव, ये हैं जेम्स और ये हैं वैभव, इनके बीच का जो रेशियो है ये क्या है, 4:5 है, मतलब कि 1 साल पहले अगर जेम्स 4 रुपये हारता था तो वैभव कितना हारता था, 5 रुपये हारता था। फिर अलग अलग एक रेशियो दिया है कि जेम्स का पिछले साल का यानी पास्ट का और प्रेजेंट का जो रेशियो है वो कितना दिया हुआ है, 3:5, और वैभव का जो रेशियो दिया हुआ है
पास्ट और प्रेजेंट का, वो दिया हुआ है 2:3। यानी कि अगर वो पिछले साल 3 रुपए हारता था तो इस साल 5 रुपए हारेगा, तो यहाँ पे तो वो 4 रुपए हार रहा है पिछले साल, तो प्रेजेंट में कितना हारेगा? तो 3 अगर 5 पे जा रहा है तो 1 कितना जाएगा? 5/3, तो 4 कितना जाएगा? 5/3 × 4, यानी कि ये हो जाएगा 20/3 प्रेजेंट का। ठीक ऐसे अगर हम वैभव का देखें तो 2 अगर 3 पे बढ़ रहा है तो 1 3/2, तो इसी पिछली बार कितना था 5, तो 5 से कितना हो जाएगा? 3/2 × 5, यानी कि ये हो जाएगा 15/2। अगर इसे हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारा आ जाएगा 8:9। यानी कि अभी प्रेजेंट में जो उनके द्वारा हारी गई राशि का अनुपात है वो 8:9 है, और बोल रहा है कि कुल रुपए अगर दोनों मिला के 3,57,000 हारते हैं तो अकेला जेम्स कितना हारेगा? तो कुछ नहीं, 17:3,57,000 है, तो 8 रेशियो वो आपसे जानना चाह रहा है। 3,57,000/17 × 8, इसे करेंगे तो 1,68,000 रुपये आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से आते हैं बिना समय को गवाए, बाकी क्वेश्चन आसान है बीच के। आप चाहें तो PDF के थ्रू जो डिस्क्रिप्शन लिंक में लगी हुई है आप उससे सारे के सारे प्रश्न देख सकते हैं, बहुत अच्छा वहाँ पे सॉल्व किया गया है, समझाया गया है, एक एक स्टेप समझाया गया है। अगर कोई फिर भी दिक्कत आती है तो दोस्तों एक बार आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, और पेपर का लेवल कितना अच्छा है, पेपर की क्वालिटी कितनी अच्छी है, ये सब बातें भी आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि जब आप बताएंगे तभी हमें थोड़ा और हौसला मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि 136, क्वेश्चन नंबर 136 है, क्वेश्चन आप पढ़िए। 2 संख्याएं ऐसी हैं जिनका अनुपात, उनका अंतर, उनका योग और उनका फल 1:7:24 के अनुपात में है। संख्याएं हैं, आपसे पूछ रहा है कि संख्याएं क्या है। देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है अगर इसके ऑप्शन पे एक बार ध्यान दिया जाए तो 3, 4, 6, 8 निर्धारित नहीं किया जा सकता, 1 से ज्यादा मान संभव है। जब भी ऐसे ऑप्शन आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो बच्चा क्या होता है वो तुरंत दिमाग में आने लगता है यार हो सकता है इस क्वेश्चन का निर्धारित नहीं किया जा सकता, यानी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ही ऑप्शन होगा तभी दिया। ऐसा नहीं है, हो सकता है एग्जामिनर ने ऐसा दिया है लेकिन उसका वैल्यू संभव है। आप ऐसे मत छोड़ के उस ऑप्शन को टिक कर दो कि ऑप्शन में इसलिए है इसलिए मैं टिक मार रहा हूं, जनरल क्वेश्चन में नहीं होता, इस क्वेश्चन में स्पेशली दिया है तो इसका उत्तर है। वो सब तरीके पुराने हो चुके हैं, अगर आप ऐसा करते हो तो आप केवल अपने साथ धोखा करते हो। देखते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से कैसे था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन आप एक बार दोबारा भी पढ़ सकते हो, स्क्रीन पे आपके है। हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है कि उनका अंतर, उनका योग और उनका गुणनफल 1:7:24, यानी कि 2 संख्याएं ऐसी हैं, ए और बी हम मान ले, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी और ए इंटू बी का जो रेशियो है 1:7:24 है। हम मान लें कि अगर ये 1:7, क्योंकि ये रेशियो है तो मान लेते हैं ये 1:7:24, तो ये ए माइनस बी हो जाएगा 1:1, ए प्लस बी हो जाएगा 7:1 और ए इंटू बी हो जाएगा 24:1। अभी देखते हैं अगर इन दोनों का यूज करें तो ए की वैल्यू कितना आएगी, 2a = 8r, तो a = 4:1। वैल्यू पुट करें तो b = आ जाएगा 3:1। अभी इन दोनों की सहायता से तीसरे में पुट किया जाए तो a की वैल्यू क्या 4, b की वैल्यू क्या 3r, कितना है 24:1। यानी कि 12:2 = 24r, तो r r का ये कट जाएगा तो 12r = हो जाएगा 24, यानी कि 1r = हो जाएगा 2। तो 1r = 2, तो आपने देखा a की वैल्यू 4r है मतलब कि 8 और b की वैल्यू 3r है मतलब कि 6, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका b हो जाएगा। हालांकि हमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, अभी भी मैं बोल रहा हूं कि अगर आप गो थ्रू ऑप्शन जाएंगे तो आपका बहुत सारा समय बचेगा। और दोस्तों एक बात तो दिमाग में रख लो, गो थ्रू ऑप्शन एक ऐसा तरीका है जो हर क्वेश्चन में, लगभग 70% क्वेश्चन के
मैथ की 70% क्वेश्चन में आपका ये तरीका लग जाएगा और बहुत ही अच्छा तरीका है। पर एक बात और ध्यान रखना कि एग्जाम में आप कौन सा तरीका यूज कर रहे हो ये मैटर नहीं करता, एग्जाम में मैटर करता है कि आपका जो उत्तर आना चाहिए वो कम समय में और एकदम एक्यूरेट आना चाहिए, यही आपके सिलेक्शन का मंत्र है। तो साम दान दंडवेद आप कुछ भी लगा डालो, आपका सही उत्तर आना चाहिए। एक बार देखते हैं कि कैसे। अगर हम गो थ्रू ऑप्शन जाएं और वो बोल रहा है कि संख्याओं के बीच का अंतर 1 योग 7 और गुणा 24, यही दे रखा है ना। अगर हम 3 और 4 को चूज करें तो 3 और 4 का अंतर तो 1 मिलेगा, योग भी 7 मिलेगा, लेकिन अगर 3 और 4 का गुणा करेंगे तो हमें 24 मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, 12 होगा। एक बार दूसरा ऑप्शन देखें, 6 और 8, अगर दोनों का अंतर देखें तो 1 है, योग देखें तो 14 है और गुणा करें तो 48 है, अंतर 2 है। तो अभी देखो ये क्योंकि रेशियो है, अगर इसमें मैं 2 से गुणा कर दूं तो ये 2 14 और 48 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी कि ये तीनों कंडीशन फॉलो कर रही है। तो हम गो थ्रू ऑप्शन में बिना कुछ लगाए विद इन 2 या 3 सेकंड में इस चीज को चेक कर सकते हैं कि ये हमारा उत्तर होगा। तो बहुत ही अच्छा तरीका होता है, आप इसे सीखते रहिए, हर पेपर में आपको कुछ ना कुछ ऐसे मिलता रहेगा जो नया आपको बताएगा और आपको सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 140 पे तुरंत आते हैं जो आपकी स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन आप इत्मीनान से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है 2 घड़ियों का क्रय मूल्य 840 रुपए है, यदि कोई व्यापारी एक को 16% लाभ पर तथा दूसरे को 12% हानि पर बेचता है तो उसे पूरे सौदे में ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है, जिस घड़ी पर उसको लाभ हुआ है उसका लागत क्या है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि इसका सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो एलिगेशन मेथड होता है, क्योंकि 2 घड़ियों की बात कर रहा है, दोनों घड़ियों की इकट्ठा मूल्य मतलब दोनों के मूल्य को मिला लिया जाए तो वो 840 रुपए है। अब एक को 16% के लाभ पे और एक को 12% के हानि के लिए हमने माइनस लिया है और दोनों को करता है तो उसे ना तो फायदा होता है ना नुकसान। अगर हम एलिगेशन लगाएं ज्यादा में से कम को माइनस करें तो यहाँ पे 16 और यहाँ पे आ जाएगा 12, यानी कि ये और कुछ नहीं, ये 12:16 लिखा है, तो 4 3 12, 4 6 16, यानी 3:4 का ये रेशियो लिखा हुआ है। अभी देखें कि 3 4 यानी यही दोनों, ये पहले घड़ी का है यानी जो 16% लाभ पे बेचा गया है और जो 12% हानि पे बेचा गया है वो 4 है, तो दोनों मिला के 7 रेशियो हो रहे हैं, तो 7 रेशियो बराबर 840, तो हमसे 3 रेशियो पूछ रहा है, तो और कुछ नहीं कितना हो जाएगा 360। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन कह रहा है, आप अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 142 है, 2 नल किसी एक टैंक को क्रमशः 12 मिनट और 18 मिनट में भर सकते हैं, दोनों नल 2 मिनट के लिए खोले जाते हैं और फिर 12 मिनट में टैंक भरने वाला नल बंद कर दिया जाता है, टैंक भरने कितने समय और लगेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है, एक बार देखते हैं कि कैसे लगेगा, इसे रफ कर लें जल्दी से फिर देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे लगेगा। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है और टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में हम जानते हैं और अगर नहीं जानते हो आप तो आप समझ जाओ कि जितना समय लेता है कोई काम करने में वो अगर उसका एलसीएम ले लिया जाए तो हमें कुल कितना कार्य किया जाना है ये पता चल जाता है। तो यहाँ पे बोला है कि 2 नल हैं, एक 12 मिनट में भर देता है और एक कितने देर में भर देता है, 18 मिनट में भर देता है, मतलब कि ए द्वारा लिया गया समय 12 मिनट है, बी द्वारा लिया गया 18 मिनट है, अगर इन दोनों का एलसीएम ले लिया जाए तो हमारा क्या आ जाएगा टोटल वर्क, यानी कि टोटल वर्क कितना किया जाना है, क्योंकि ये नल का केस है तो हम ऐसा मान सकते हैं 18 12 का एलसीएम लेंगे तो 36 आएगा कि 36 लीटर का टैंक है उसे भरना है, यानी टोटल काम जो है हमारा 36 है, तो ये अगर हम इससे डिवाइड करें तो हमारी कार्य क्षमता मिलती है 36/12 3, 36/18 2, यानी कि ए की कार्य क्षमता 3 है मतलब हर मिनट में वो 3 लीटर भरेगा, बी हर मिनट में 2 लीटर भरेगा। पहले क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है कि 2 मिनट के लिए दोनों साथ में खोले जा रहे हैं तो एक साथ काम करेंगे तो ये 3 भरेगा, ये 2 भरेगा, दोनों मिलके 5 भरेंगे, यानी 2 मिनट में कितना भर देंगे 10 मिनट भर देंगे। अभी देखिए 10 लीटर भर देंगे, टैंक कितना था 36 लीटर का, कितना भर गया 10 लीटर, तो हमारे पास बचा कितना,
जो बचा है वो 26 लीटर बचा हुआ है, और 26 लीटर जो बचा हुआ है क्योंकि टैंक ए को बंद कर दिया गया है, तो टैप ए को बंद कर दिया गया है, तो टोटी जो बी है, टैप बी है, यही आपका भरेगा। काम है 26, करने वाला है 2, तो इसे 13 मिनट और लगेंगे, जो कि आपका ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2,379 रुपये को 3 भाग में इस तरह विभाजित करें ताकि 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से क्रमशः 2, 3 और 4 वर्ष बाद उनकी राशि बराबर हो, पहला हिस्सा कितना है। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का, अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। कॉन्सेप्ट आप सभी लोग जानते हो कि साधारण ब्याज का जितने भी टाइम के लिए जाता है उतना ही उसकी प्रॉफिट होती रहती है, तो 5% के रेट से अगर वो 2 साल के लिए दिया जाएगा तो उसे 10% का ब्याज मिलेगा, 5% के रेट से 3 साल के लिए 15% मिलेगा, और 5% के रेट से 4 साल के लिए उसे 20% मिलने वाला है। यानी कि जो उसने कुल रुपए बांटे हैं, यानी कि 2, 3, 7, 9 को 3 भाग में डिवाइड किया, पहले हिस्से को 10% पे फायदा मिल रहा है, दूसरे से 15% और तीसरे से उसे 20% का फायदा मिल रहा है, और ये तीनों मिला के ही 2,379 रुपए हैं। तो अगर मैं मान लूं कि ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो क्या होगा, एक्स का 10% फायदा, यानी कि 10% वो, और कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है, तो एक्स परसेंट प्लस 100%, यानी 10% प्लस 100% कितना हो जाएगा, 110% ऑफ एक्स। ये बराबर है ठीक ऐसे 115% ऑफ एक्स, और ये बराबर है 120% ऑफ ये वाई और ये जेड। x का 110%, यानी x पे जितना फायदा मिल रहा है, कुल जितना ब्याज मिल रहा है, जो मिश्रधन हो रहा है वो, इसका 115%, ये और ये सब आपस में क्या है, बराबर हैं। तो अब भी सब आपस में बराबर हैं, तो हम मान लेते हैं इसे k, इसे अगर सिंप्लीफाई करें तो 110x बराबर 115y बराबर 120z बराबर k, यानी कि अगर x और y और z का, x और y और z का अगर हम रेशियो निकालें तो ये हो जाएगा 110:115:120। अगर इसे हम सिंप्लीफाई करें तो 552, 528 और ये 506, ये आएगा। अभी इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट आसान था, बस ये है कि कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा लेंदी है। तो अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पे आपका कैलकुलेशन लेंदी जाता है, आप देख रहे हो कि 552, 528, 506, अगर आप इसे कैलकुलेट करने जाओगे, क्यों, क्योंकि अभी इन तीनों को जोड़ेंगे, उसके बाद फिर जो भी आएगा, जो हमारा उत्तर आएगा 1586 इन दोनों को जोड़ने के बाद आएगा। तो अभी हम देखें कि वो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, वो पूछ रहा है कौन सा हिस्सा, पहला हिस्सा। तो पहला हिस्सा 552 रेशियो के बराबर है, अगर हम इन तीनों को जोड़ें तो हमारा जो उत्तर आ रहा है, यानी कि 1586 रेशियो बराबर कितना दिया हुआ था, 2,3,7,9, और वो आपसे पूछना चाह रहा है 552 रेशियो, तो 2,3,7,9 बटे 1586 गुणे 552, और जब हम ये करेंगे तो हमारा जो उत्तर आएगा वो 828 रुपए आएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है एग्जाम में लेंदी हो, तो आप एक बार काम करो कि उस क्वेश्चन को स्किप कर जाओ तब तक के लिए, कि पहले आसान आसान क्वेश्चन को लगाओ और फिर जो टफ क्वेश्चन आपका बचा हुआ है उसे बाद में लगाओ, क्योंकि अननेसेसरी क्वेश्चन हमेशा जब कैलकुलेटिव होता है तो आपका टाइम ले जाता है। आप 2 नंबर के लिए, अब मान लीजिए 5 मिनट भी लगा देते हो, तो हो सकता है 5 मिनट में जीएस के आप 20 क्वेश्चन लगा लो, रीजनिंग के आप 6-7 क्वेश्चन लगा लो, 8 क्वेश्चन लगा लो, हिंदी में आप 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, आपका समय बच सकता है, जबकि यहाँ पे आपका अननेसेसरी समय ले जाएगा। तो हमारी स्ट्रेटजी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, क्या कह रहा है, ए और बी के दैनिक मजदूरी क्रमशः 3.50 रुपए और 2.50 रुपए हैं। अब जब ए एक कार्य को पूरा करता है तो उसे कुल मजदूरी के रूप में 63 रुपए प्राप्त होते हैं, जब बी उसी कार्य को पूरा करता है तो उसे
₹175 की कुल मजदूरी प्राप्त होती है। यदि वे दोनों इसे एक साथ करते हैं तो कार्य की लागत क्या है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपकी स्क्रीन के सामने है, आप इत्मीनान से पढ़ लो, क्वेश्चन को समझ लीजिए कि क्या ये पूछना चाह रहा है, फिर आते हैं करते हैं क्वेश्चन पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो अभी हमने टाइम एंड वर्क में कॉन्सेप्ट लगाते आ रहे हैं, ये क्वेश्चन और कुछ नहीं उसी का एप्लीकेशन है। केवल भाषा से, केवल लैंग्वेज से आपको थोड़ा सा घुमाया गया है। अगर आप अपना टेम्परामेंट अच्छा बनाए रहोगे तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लोगे। क्वेश्चन की पहली लाइन कह रहा है कि ए अगर रोज काम करे तो उसकी जो दैनिक मजदूरी है, मतलब एक दिन में वो 3.50 रुपए कमाता है और किसी कार्य को करने में वो कुल 63 रुपए कमाता है। कितने रुपए कमा रहा है? 63 रुपए कमा रहा है। तो अगर कुल 63 रुपए कमा रहा है, एक दिन में 3.50 कमा रहा है, तो कितने दिन में काम कर रहा है, ये कैसे निकलेगा? 63/3.5 यानी कि 18। ठीक ऐसे बी एक दिन में 2.5 रुपए कमा रहा है और वो कुल 75 रुपए कमा रहा है, तो वो कितना दिन काम कर रहा है? 75/2.5 यानी कि 30। अभी फिर से टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट, ये क्योंकि टाइम है उसका, तो टाइम का अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? वर्क आएगा। यानी ए 18 दिन ले रहा है, बी 30 दिन ले रहा है, दोनों का एलसीएम 90 होगा। 18 × 5 = 90, 30 × 3 = 90, साथ मिलके काम करेंगे तो कितना काम करेंगे? 8 काम करेंगे। तो कुल काम है 90, एक दिन में 8 काम खत्म हो जाएगा, तो 90/8 दिन उसे लगेगा कुल कार्य करने में। और जब एक साथ काम करेंगे तो ये 3.5 पाएगा और ये 2.5 रुपए पाएगा, दोनों मिलके कितने रुपए पाएंगे? 6 रुपए। तो 6 रुपए एक दिन में कुल टाइम इतना है इसका करेंगे तो हमारा 67.5 रुपए उत्तर आ जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। जितने भी पेपर हैं, आपको 10 पेपर मिलेंगे, 10 पेपर को सारे जो क्वेश्चन है, बहुत अच्छे आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, वो चाहे आपका हिंदी सेक्शन हो, चाहे आपका मैथ सेक्शन हो, चाहे आपका साइंस सेक्शन हो, चाहे आपका जीएस का सेक्शन हो या रीजनिंग का सेक्शन हो, क्वेश्चन वही पुट किए जा रहे हैं जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी हैं, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको, और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो, कोई भी वीडियो अपलोड हो, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए कि हाँ ये वीडियो जो आपकी परीक्षा के लिए, आगामी परीक्षा के लिए, अभी मंडी परिषद लगा हुआ है, लोअर लगा हुआ है, तो हो सकता है कि ये 1-1.5 महीने में हो जाए। अभी ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं है कि पेपर कब होना है, लेकिन फिर भी हमारे पास अब ज्यादा समय नहीं है, यही लास्ट टाइम है, यहीं पे हमें मेहनत करनी है और मेहनत भी सही दिशा में करनी है। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पेपर।